हरियाणा बीजेपी की समीक्षा बैठकें हो रही हैं। दूसरा दिन है, आज भी समीक्षा बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव में कम सीटें आने पर भी चर्चा हो रही है। मंथन और चिंतन का दौर लगातार जारी है। 19 से 21 नवंबर तक फीडबैक प्रोग्राम बीजेपी का, जिलेवार तमाम जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ ये मुलाकात, और इस बात को लेकर मंथन कि इस बार के चुनावों में जनता का विश्वास क्यों कम हुआ, सीटें क्यों कमाई, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। अब यह माना जा रहा है कि दिसंबर या जनवरी की शुरुआत में संगठनात्मक चुनाव भी हो सकते हैं, एक नई टीम का गठन भी हो सकता है। उससे पहले मंथन और चिंतन का दौर, संवाद हो रहा है। आज दूसरा दिन है, इस बार 40 सीटें बीजेपी के पास, पिछली बार से 7 कम। बहुमत नहीं आ पाया और उसके पीछे वजह क्या रही, जनता में विश्वास कम क्यों हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठकें फीडबैक प्रोग्राम बीजेपी के 19 से 21 नवंबर तक। कहां कमी बेसी रह गई, कहां काम करने की अब जरूरत है, यह संवाद जरूरी भी है। क्या वजह रही, जनता का विश्वास कम क्यों हुआ, इसको लेकर जिलेवार समीक्षा बैठकें। ग्राउंड लेवल पर काम भी शुरू हो गया है। इधर सरकार शुरू हो चुकी है, सरकार कामकाज कर रही है। वहीं दूसरी ओर इस बात पर मंथन और चिंतन शुरू हो चुका है कि जनता के बीच में दोबारा विश्वास कैसे लाया जाए। विनोद लांबा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ। विनोद, आज फीडबैक प्रोग्राम का दूसरा दिन है, कल पहला दिन रहा, पहले दिन की अपडेट दीजिए, क्या दिन भर चलता रहा, और ये संवाद बहुत जरूरी भी है, ये फीडबैक बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो विश्वास कम हुआ है जनता के बीच में बीजेपी का, यही वजह रही कि इस बार फुल मैंडेट नहीं आ पाया था। कि पहले दिन का अपडेट यही है पूजा, कि तमाम बड़े नेता थे और कहीं ना कहीं कोर कमेटी के सदस्य थे, उनकी जिम्मेवारी लगाई गई थी और वो तमाम जिले वाइज 2-3 जिलों को एक साथ कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। सुधा यादव का मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। सुधा यादव ने एक बैठक ली जिसमें पलवल और फरीदाबाद जिले के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे और 2 ही सीट लूज किए हैं वहां, तो दोनों उम्मीदवारों से भी बात की गई थी, नरेंद्र बड़ाना से भी बात की गई, सोनपाल छोकर से भी बात की गई, क्योंकि पिथला और NIT सीट हारी है बीजेपी यहाँ, तो उनसे भी फीडबैक लिया गया, तमाम कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया गया। अंदरूनी जो आपस की जो लड़ाई थी बीजेपी की वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की बैठकों में सामने आ रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगे कि जिस तरह से कुछ पार्षदों ने या फिर कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर बीजेपी के उम्मीदवार का साथ नहीं दिया, तो हम जो मूल रूप से उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूजा, वो यही है कि इस तरह की बैठकों में तमाम संगठन के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर तो जिले वाइज जो सीटें आती हैं उनके कार्यकर्ताओं से बैठकें की ही जा रही हैं, लेकिन इन तरह की बैठकों में आपसी फूट जो थी या फिर कहें कि आरोप प्रत्यारोप से किसी के हारने के लिए और किन लोगों ने पार्टी से दगा दी है, चीजें भी निकलकर सामने आने लगी हैं। और आज दूसरा दिन है और जिस तरह से कहा जा सकता है कि 22 तारीख की गुड़गांव में बैठक होगी जिसमें तमाम जो बीजेपी के कैंडिडेट हारे हैं यानी कि 50 उम्मीदवार गुड़गांव में मौजूद रहेंगे और 40 जीतने वाले विधायक भी गुड़गांव में मौजूद रहेंगे, तो ये जो विषय था अभी 3 दिन का प्रोसेस पूरा होने के बाद आज पूरा हो जाएगा और उसके बाद तमाम विधायकों की बैठक के लिए अब पहले फरीदाबाद को चुना गया था, गुरुग्राम में होगी और जो पूरी हरियाणा की जो बैठक होनी है बीजेपी की वो बैठक 23 तारीख को गुरुग्राम में होगी। और इस तरह की बैठकों में से जो निकल कर आ रहा है वो यही है कि कोर कमेटी के तमाम जो बड़े जो नेता हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनके सामने
तमाम कार्यकर्ता अपनी बात भी रख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक और बड़ी जो बात पूजा निकल कर आ रही है वो ये है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई पिछली सरकार में नहीं हुई थी, इसलिए मोराल भी कहीं ना कहीं डाउन रहा था। इसको लेकर भी तमाम कार्यकर्ता अपनी बात रखते नजर आए। जाहिर सी बात है, चुनाव में हार और जीत तो लगी रहती है विनोद, लेकिन जरूरी ये है कि चुनाव के बाद आप क्या करते हैं। और यही मुख्य अंतर कांग्रेस और बीजेपी में है कि बीजेपी तमाम समीक्षा बैठकें कर रही है, कार्यकर्ताओं से दोबारा मिल रही है, उनकी सुनवाई कर रही है, जो कमी बेसी रह गई उसको पूरा करने में लगी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरकार बनाना एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जो सरकार के सदस्य नहीं होते हैं, जो विधायक नहीं होते हैं, जो बूथ लेवल के या मंडल लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच संवाद करना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक में तमाम रूपरेखा बनाई गई थी, उसी के हिसाब से आज तीसरे दिन कार्यकर्ताओं के बीच तमाम जो पदाधिकारियों की नियुक्ति है, इसमें अनिल साहब को भी जाना है, सुधा यादव ने जिस तरह से मैंने कहा एक बैठक ली, और दीपक मंगला को गुरुग्राम और मेवात की सीटों पर जाना है जो कि विधायक है। बताते ऐसे 8 से 10 बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, और अमूमन हर जो बड़ा नेता है उसकी ड्यूटी में यही तय किया गया है कम से कम 2 जिले वो कवर करें और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी सुनवाई करें। आज कहाँ कहाँ होनी है समीक्षा बैठक विनोद, कुछ आपको अपडेट इस बारे में? देखिए ये शेड्यूल उन कार्यकर्ताओं उन बड़े नेताओं पर डिपेंड करता है। सुधा यादव का एक अपडेट मेरे पास था, कुछ और बैठक दीपक मंगला आज दे सकते हैं। इसके अलावा अनिल विज ने अभी बैठक नहीं ली गई है, उनको भी 2 जिले दिए गए हैं, ओम प्रकाश धनखड़ को भी दादही जो इलाका पड़ता है वहां बैठक लेनी है, रामविलास शर्मा को भी बैठक लेनी है। तो कुछ बड़े नेताओं के नाम इस प्रकार है, लेकिन क्या उनके शेड्यूल में आज बैठक हो पाएगी या फिर किस तरह से होगी, इसके लिए जिले वाइज जो आएंगी रिपोर्ट उनका इंतजार करना पड़ेगा। किसी भी संगठन या संस्था की नींव होते हैं कार्यकर्ता विनोद, आपको क्या लगता है कि दोबारा करेक्शन स्थापित करना, कार्यकर्ता जिनका मॉरल लूज हो चुका है या जिनकी सुनवाई नहीं हुई थी या जो अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे थे, उनको दोबारा जोड़ने की कवायद क्यों बेहद जरूरी है? देखिए बेहद जरूरी इसी वजह से है कि अब ये जो गठबंधन की सरकार है जितने भी समय चलती है और अगर पूरे 5 चलती है तो कहाँ जेजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को खड़ा देखेंगे और कहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े देखेंगे। अगर भाजपा ने, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह सकता हूँ कि बीजेपी ने अगर अपने कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगामी जो साल होंगे, कुछ साल होंगे, तो वहां जो बढ़ती संख्या है बीजेपी कार्यकर्ताओं की उसमें कमी आ सकती है। पहले ही लगातार अपेक्षित होने का आरोप कार्यकर्ता लगाते रहे थे, लेकिन इस गठबंधन की सरकार में अगर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा सुनवाई होती है और दूसरी पार्टी जो कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी आई है उसकी सुनवाई नहीं होती है तो डिफेंसिस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत अहम है कि ऐसे क्रूशियल समय में बतौर पार्टी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को साथ कर रखे। शुक्रिया आपका विनोद लांबा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी, आज दूसरा दिन अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।